हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एक सेलर और मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूं। अक्सर जो लोग मर्चेंट नेवी के बारे में जानते हैं वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि मर्चेंट नेवी में तो बहुत ज़्यादा सैलरी है, इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। अक्सर जो जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, वो लोग हमेशा मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव सब ये बोलते हैं कि यार आप लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है, हमारी कम है, हम लोग इतना काम करते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी सैलरी हमारे काम से ज़्यादा हमारे सेक्रीफाइस के लिए है। अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको छोड़ के दूर जाना पड़ता है। वो लोग शाम को घर आते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, जब उनका मन करे तब वो उनसे मिल सकते हैं, पर हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो एक बार शिप पे चले जाते हैं तो 5-6 महीने जो जूनियर्स होते हैं वो 8-9 महीने के लिए वापस ही नहीं आ सकते। हम तो वहाँ पे 24/7 काम करते हैं, वही रहना है, वही खाना है। इस पेन को कोई नहीं समझ सकता। जैसे कोई नई लड़की शादी करके अपना घर छोड़ के जाती है, ये उस पेन से भी ज्यादा है। वो लड़की अपने घर पे बात भी कर सकती है, 2-4-10 दिन के बाद वो वापिस भी आ सकती है, वो घूमने भी जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। पर हम लोग जब अपना घर छोड़ के जाते हैं तो हमें वो मौका नहीं मिलता कि हम 10 दिन 2 महीने बाद वापिस आ जाए अपनी फैमिली से मिलने के लिए। सिर्फ फोन कॉल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं उन लोगों को ये बता सकूँ कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, कितना पेन, कितना सेक्रीफाइस हम लोग सहन करते हैं। ये YouTube चैनल आपको अब सीमेंस के बारे में बताएगा, सेलर्स के बारे में बताएगा, हम लोग किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे काम करते हैं। हर एक रैंक की मैं अलग अलग वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि कौन कितनी सैलरी लेता है और उसका क्या काम है। जितनी ज़्यादा सैलरी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उतना ज़्यादा काम। तो फ्रेंड्स, बने रहिए, सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोज़ डे बाई डे। थैंक यू। जय हिंद।